travelled so much, oceans have always held a special place in my heart. From so many good memories, like walking. तो स्मृति मंदना में बिल्कुल खुश नजर नहीं आई आरसीबी की परफॉर्मेंस से, क्योंकि भाई बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी आरसीबी वालों से और इतनी ख़राब प्रदर्शन भाई इन्होंने किया एलिमिनेटर में, इतनी घटिया फील्डिंग करी। विराट कोहली ने अपना पूरा 100% दिया, इतनी तगड़ी फील्डिंग कर रहे थे विराट कोहली, ऐसा लग रहा था भाई पूरे स्टेडियम में पूरे ग्राउंड में सिर्फ विराट कोहली हैं जो तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं और डु प्लेसिस ने अच्छी अच्छी कैचेज पकड़ी। लेकिन भाई उसके अलावा सब ने ही बेकार फील्डिंग करी, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर विकेट गिरना चालू हो जाती तो शायद आज आरसीबी जो है क्वालिफाई मतलब प्लेऑफ में जीत जाती, एलिमिनेटर जीत जाती और अगला मैच इनका एसआरएच से होता। लेकिन उसके बाद भी भाई इतनी बुरी फील्डिंग करी इन्होंने, फील्डिंग बुरी करने की वजह से आरसीबी हार गई, जहां पर दिनेश कार्तिक का आज आखिरी मैच था, उन्होंने रिटायर ले लिया है, अभी आरसीबी की जर्सी में नहीं इंडिया की जर्सी में कभी दिखने वाले हैं। और भाई आरसीबी ने काफ़ी अच्छा खेला, मतलब लगातार 6 मैच जीते, बहुत अच्छा खेला आरसीबी ने।